अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ पहले हुकूमत ने यह फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि वफाकी काबीना में तौसी की ज़रूरत है और इसीलिए 6 नए वफाकी वज़ीर और 10 वज़ीर मुमलिकत जो है उनका ओथ हुआ। ओथ पहले ही हो गया था, कोई पोर्टफोलियो उनको दिया नहीं गया था, तो उनको ये नहीं मालूम था चंद रोज़ तक कि ये जो मिनिस्टर बने हैं किस पोर्टफोलियो के तहत बने हैं, लेकिन कल इनके पोर्टफोलियोज को भी अनाउंस किया गया। रीशफल नहीं कहा जा सकता इस कैबिनेट की तब्दीली को, क्योंकि तब्दीली जो रीशफल है वो तो एक दो मिनिस्ट्रीज का हुआ है। ज्यादातर हमने ये देखा है कि नए मिनिस्टर्स को भर्ती किया गया है और कुछ नई मिनिस्ट्रीज भी बनाई गई हैं, उनकी उसकी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। आखिरी साल है तकरीबन, अगर इलेक्शन टाइम पर होते हैं तो लेस देन 12 मंथ्स अब रह गए इलेक्शन में, और अगर इस वक्त वफाकी काबीना में तौसी के गए उसका मकसद क्या हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त यार हैं उनको नवाजा गया है। चंद लोगों की ये भी राय है कि इलेक्शन का साल है तो ऑब्वियसली जब मिनिस्टर्स होंगे उनको फंड मिलेगा, वो फंड जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में खर्च कर सकते हैं, जिससे जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनको फ़ायदा होगा। लेकिन मकसद जो भी हो, ये पैसा टैक्स पेयर का है, पैसा अवाम का है, तो किसी ने हक नहीं दिया उनको, किसी शख्स ने हक नहीं दिया हुकूमत को कि वो उनका पैसा इलेक्शन पर खर्च करे या फिर अपने दोस्तों में नवाजे। लेकिन हम मौका देंगे, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि शायद कोई और वजह हो, शायद इस तौसी से गवर्नेंस बेहतर हो जाए या कोई ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जिनका इस आखिरी साल में होना बहुत ज़रूरी हो, इस पर हम उनका मौकफ़ ज़रूर लेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये जो इजाफा हुआ है इसके बाद वफाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तादाद 35 हो गई है। स्टेट मिनिस्टर्स इस वक्त 18 हैं, वज़ीर आज़म के 4 एडवाइज़र भी हैं और 5 स्पेशल एडवाइजर्स हैं, तो कैबिनेट का साइज़ अच्छा खासा बड़ा हो गया है। ये साइज़ उससे बड़ा है जो कि 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट ने तय किया था। पार्लियामेंट के मुताबिक 11% होना चाहिए पार्लियामेंट की जो टोटल सीट्स हैं उसका, तो तकरीबन 48-50 होने चाहिए थे मिनिस्टर्स, लेकिन ये उससे ज़्यादा हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेशक अगले इलेक्शन के बाद होनी थी, लेकिन हुकूमत ने यह पिछले साल ही कर दिया था और कहा था ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, मॉरली हम इसको पहले ही इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो वो मॉरल्स अब कहाँ गए ये भी हम पूछेंगे। एक दफ़ा मैं बताते चलूँ कि जो नई वजारतें आई हैं और जो नए मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो दिए गए हैं वो क्या है। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जो कि ख्वाहिशमंद थे कि उनको एक दफ़ा फिर वफाकी वजीर बरा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग बना दिया जाए, उनको ये वजारत मिल गई है। पहले भी तब्दीली की कोशिश की जा रही थी, लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का वो इंसिडेंट मेरे ख्याल से हम सबको याद होगा जब वो कैबिनेट में रो पड़ी थी और उनसे फिर उनकी वजारत नहीं ली गई थी। बहरहाल इस दफ़ा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से उनकी वजारत दे ली गई है और उनको मिनिस्टर फॉर नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज बनाया गया है, जो कि एक नई वजारत है। और इसका फंक्शन क्या है, इसके ऑपरेशन क्या है और ये टीम जो है कहाँ से आएगी, इस पर भी एक सवालिया निशान है। राजा परवेज़ अशरफ जो कि पहले रेंटल पावर प्लांट, जो अभी रेंटल पावर प्लांट केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उनको लगाया गया है। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब को मिनिस्टर फॉर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी एक नई वजारत है, इसका फंक्शन क्या है ये भी हमें नहीं इल्म है। राणा मोहम्मद फारूक साहब को मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया गया है, ये मौसम की तब्दीली का मिनिस्टर बनाया गया है राणा मोहम्मद फारूक साहब को, इनका फंक्शन क्या है ये भी हमारे इल्म में नहीं है। मौला बख्श चांडियो जो कि आपसे कुछ अर्से पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब उनको मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स का पोर्टफोलियो दिया गया है। ये 6 वजीर थे जिन में हमने जिनको देखा कि पोर्टफोलियोज कल दिए गए। इसके अलावा जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनमें शमसान बुखारी साहब को स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया है, मलिक अहमद अवान साहब को जो है फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो दिया गया है, इम्तियाज़ सफदर वड़ाई साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी हैं उनको इंटीरियर, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर का पोर्टफोलियो दिया गया है, तस्नीम कुरैशी साहब को वाटर एंड पावर, सरदार मोहम्मद मौजम अली जतोई साहब को नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, मलिक अजमत खान को इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का मिनिस्टर बनाया गया है, राहिला बलोच साहिबा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोस्त मोहम्मद मजारी को कम्युनिकेशन, सरदार सलीम हैदर को डिफेंस और सेनेटर अब्बास खान आफरीदी को स्टेट मिनिस्टर फॉर कॉमर्स का पोर्टफोलियो दिया गया है। ये तमाम मिनिस्टर्स जो हैं सिवाय मौला बख्श चांडियो के पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्रेसिवली इलेक्शंस की तरफ काम करेगी और उनका पहला जो टारगेट होगा वो पंजाब होगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहब ने, आप एडवाइज़र हैं टू चीफ मिनिस्टर सिंध, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख रोहिल असगर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसके अलावा फौजिया कसूरी साहब हमें ज्वाइन करेंगी क्वेटा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप प्रेजिडेंट हैं वुमेन विंग की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पेश आई है हुकूमत को तौसी करने की इस आखिरी साल में, क्या इससे गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, या जैसे मैंने कहा कि आम राय यही है कि दोस्तों को नवाजा गया है,
या फिर इलेक्शन की तैयारी खास तौर पे पंजाब में शुरू हो गई है? शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वफाकी हुकूमत का प्रेरोगेटिव है कि वो जितने वजीर चाहे लें, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा कोई एम्बार्गो नहीं है। जो 18वीं तरमीम में जो एक एम्बार्गो लगाया गया था कि आपने 11% असम्बली का वज़रा की मद में लेना है, वो अगले इलेक्शंस के बाद लागू होगा। बहरहाल, अगर आप 11% भी लेते हैं तो तकरीबन कोई 49 to 50 मिनिस्टर्स बनते हैं जो अगले इलेक्शंस के बाद भी आपको नज़र आएंगे। तो इस दफ़ा अगर कोई 2-3 ज़्यादा ले लिए तो कोई ऐसा कोई हंगामा बरपा नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये आपने कहा कि जी दोस्तों को नवाजा, तो देखिए कमर जबान कायरा साहब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक बहुत ही काबिल MNA हैं, नाजर मोहम्मद गोंदल साहब हैं, दीगर हैं, और इसमें अमात खान जो पहले भी स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स थे, तस्नीम कुरैशी साहब पहले भी स्टेट मिनिस्टर्स थे, इनमें से काफ़ी सारे वो लोग हैं जो पहले भी रह चुके थे 1-1.5 साल कबर जब पहले इनको हटाया गया था। और एक चीज़ बिल्कुल हकीकत मैं आपको बताऊं शहजाद साहब के बिल्कुल इलेक्शन सामने आ रहे हैं और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि पंजाब में क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है और पंजाब में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर मैं साउथ पंजाब की बात करूंगी। तो डेफिनेटली अगर वहाँ के लोगों को एम्पावर किया जाता है और वजारतें दी जाती हैं तो अच्छी बात है कि काम भी तेज़ी से होगा। तो मतलब आप ये तस्लीम कर रही हैं कि ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है? ये आप तस्लीम कर रही हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है? लेकिन यही सवाल बनता है ना कि पब्लिक का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा आप किसके कहने पर खर्च कर रहे हैं इलेक्शन के लिए? नहीं नहीं, देखिए आप एक चीज़ को बड़ा मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं और वो ये है कि इन वजारतों का पैसा कोई इलेक्शन कैंपेन या अपनी इलेक्शन की जो मद में दोबारा रीएलेक्ट होने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगा ना। अब आपने फिरदौस आशिक अवान साहब की जो मिनिस्ट्री की बात की है वो नहीं क्रिएट हुई, उसमें क्या उसका क्या बजट है? अभी तो कोई बजट नहीं है। अब ये देखना है कि आइंदा आने वाले बजट में उस मिनिस्ट्री के लिए कितना रखा जाता है। मस्ट बी अ वेरी स्मॉल मिनिस्ट्री जो अभी बनाई है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी के वो जो नज़र गोंदल साहब को दिए, दैट्स अगेन समथिंग न्यू, और कोई छोटी सी कोई चीज़ होगी। देखिए बात ये है कि बिल्कुल हम इलेक्शन मोड के अंदर हैं और सब यही चाहते हैं कि जो काम रह गए हैं, जो डेवलपमेंट के काम रह गए हैं, जिन जिन एरियाज़ में नहीं हुए हैं डेवलपमेंट के काम ड्यू टू वेरियस रीजंस, कुछ मिस गवर्नेंस रही है, कुछ बारिशों की नज़र हुए हैं, कुछ सैलाब की जद में आए हैं, उन कामों को अब बेहतर तरीके से और तेज़ी के साथ किया जाए, क्योंकि हम सब ने अब आवाम को जवाब तो अच्छा। देना है अगले इलेक्शंस के अंदर। इसमें देखिए वी डोंट हैव टू बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, मैंने आपको पहले बताया कि अगले दफा भी इलेक्शंस के एम्बार्गो नहीं है, एम्बार्गो नहीं है, लेकिन पहले मैं यही अपने इंट्रोडक्शन में मैं इसलिए सुन लेना, अपने इंट्रोडक्शन में मैं ये कह चुका था कि जब पहले फरवरी 2011 में जब आपसे ये पूछा गया तो आप बड़े फखर से बताते थे देखिए हमने कैबिनेट साइज इतना छोटा कर दिया, हम चाहते तो ये अगले इलेक्शन के बाद करते 18वीं तरमीम के मुताबिक, लेकिन अभी करने का मकसद यही है कि हम लोग एक मिसाल कायम करें। तो वो मिसाल 12 महीने के अंदर गायब कहां हुई ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये वो मिनिस्ट्रीज हैं जो पिछले 12 महीने से गैर फाल थी, क्या उस वक्त काम ठीक नहीं चल रहा था तो वो गलती थी, और अगर काम ठीक नहीं चल रहा था अब बेहतर करने के लिए क्या किया, समझ नहीं आ रही ना कि पॉलिसी क्या है। मेरे भाई मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि 50 वजीर और 5 मुशीर और 5 स्पेशल असिस्टेंट, तो आप अगले इलेक्शन के बाद जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो नून की हो, चाहे वो PTI की, किसी की भी हो। अच्छा शमीला, आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं आपका मौकिफ जो है इस चीज़ पर लेता हूँ। बाद में मैं रोहिल असगर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। रोहिल असगर साहब, क्या नीयत नजर आ रही है वफाक की इसके पीछे के मजीद मिनिस्ट्रीज जो है पैदा की गई है जो गैर फाल कर दिया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, आप बातें तो आप सुन रहे थे लेकिन इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आई मुझे। मतलब एक आपने 18th अमेंडमेंट की और उसमें ये दावा किया कि हमने जितनी डिक्टेटर्स की शिकें थी, जो उनकी अमेंडमेंट थी, हमने उसको निकाल के अब आइन को बिल्कुल पाक साफ और सीधा साधा कर दिया। अब बात यह है कि आपका ये आखिर, जैसे आप फरमा रहे थे ये आपका आखिरी साल है, तो आपने तो बड़ी सारी ऐसी मिसालें छोड़ के जानी है ताकि आइंदा आने वाले लोगों को वो सामने रख के मुश्किल पेश आए। अगर आप समझते हैं कि 11% है और उसके हिसाब से 50 बनते हैं तो आपको तो वज़रा की तादाद 35 कर देनी चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गई।
अब दूसरी चीज़ जो मैं आपसे जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि मैं देखना ये है कि जो नई मिनिस्ट्रीज क्रिएट की गई हैं वो क्यों की गई। वो इसलिए की गई शहजाद कि शायद शर्मिला को इस बात का इल्म नहीं है कि डेवोल्यूशन में जब मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी गई, वो सूबों में चली गई, अब उनकी जगह पे नई मिनिस्ट्रीज क्रिएट कर दी गई। और उन मिनिस्ट्रीज को मैं ये अर्ज़ कर दूँ शर्मिला को कि उनको एक खतीर किस्म की रकम भी उनको दे दी गई उन मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए। अब चूँकि मुझे इसलिए पता कि मैं एक कमेटी है उसका इतफाक़ से मैं उस कमेटी में हूँ। अब बात सिर्फ इतनी है कि अब देखने वाली बात यह है कि आपने मिनिस्ट्री बदल दी, आप बदल दें आपका इख्तियार है, आप नई मिनिस्ट्री क्रिएट कर दें आपका इख्तियार है, अखलाकी तौर पे नहीं वैसे आपका इख्तियार है। आप ये एक तरफ तो आपके वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं जानता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानता, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करूंगा और मैं आर्टिकल 6 से डरता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं डरता। तो सुप्रीम कोर्ट से आप डरते नहीं हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखते हैं, आप नारा कॉन्स्टिट्यूशन का लगाते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये आपने मेंट कर दिया। आने वाली बात छोड़िए, आप लोगों के लिए एक सेट करके जाइए, एक मिसाल सेट करके जाइए कि जनाब हमने इतने कम गुजरा में गवर्नेंस अच्छी कर दी। अच्छा एक और मैं आपको बता, आपने चेंज कर दी, मिनिस्टर्स नए ले ले, जो आप समझ रहे हैं शहजाद वो नहीं है। प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स देखें। प्रॉब्लम नंबर वन, आपके मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, वजीर कौन है उसका? ऑलरेडी वजीर था उसमें। अब प्रॉब्लम नंबर दो, आपकी गैस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो वहीं पे मौजूद है आपका। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके साथ आ रही है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में आ रही है, जो आपके यहाँ पे विदाउट इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे जो चाहे उनको एक असिस्टेंट दे दिए ना, जो है जो इसीलिए उनको एक असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर भी दे दिए ताकि शायद कार्रवाई बेहतर तरीके से। अच्छा शेख साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, इसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद फौजिया कसूरी साहिबा का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ रोहिल साहब, इसके बाद मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। शर्मिला फारूकी साहिबा ने कुछ हद तक एक्सप्लेन किया कि मकसद क्या है नई मिनिस्ट्रीज का, लेकिन हम कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम उनसे मजीद जानने की कोशिश करें, क्योंकि चंद मिनिस्ट्रीज तो ऐसी हैं जिनके फंक्शनिंग में हमें नहीं पता। फॉर इंस्टेंस, अगर इस वक्त आप पैसा खर्च कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री पे, तो उससे किसको फायदा होगा? बेहतर होता ये पैसा आप एनर्जी में डाल देते, या ये पैसा आप किसी और एजुकेशन सेक्टर में डाल देते, हेल्थ सेक्टर में डाल देते। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बनाएंगे, एक पूरी वर्कफोर्स तैयार करेंगे, उससे किसको फायदा होगा? एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल कैबिनेट का साइज बढ़ा दिया गया है, इसका मकसद क्या है? फौजिया कसूरी साहिबा, आपने क्वेटा से हमें ज्वाइन किया है, ये बताइएगा कि अब जब मिनिस्टर्स हमारे पास ज्यादा हैं और स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं उन्हीं पोर्टफोलियो में, तो क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि अगले 12 महीने में गवर्नेंस जो है इस हुकूमत की तरफ से वो बेहतर हो जाएगी? थैंक यू शहजाद। कहने का मकसद ये है कि जो 4 साल में इतनी पुअर गवर्नेंस इन लोगों की रही है, मैं नहीं समझती कि साल भर के अंदर उसमें कोई फ़र्क आना है। पहली बात, इन्होंने ये कहा शर्मिला फारूकी साहिबा ने कि इनका प्रेरोगेटिव है, अगर आप उसको समझें तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी मनमानी है, हमारी मर्जी है, हम कर सकते हैं, मतलब हमारा जो दिल चाहे हम कर सकते हैं। नहीं जी, आप ये बताइए कि इसमें कौम का इंटरेस्ट क्या है? कहीं आपके जो प्रेरोगेटिव्स हैं, आपकी जो मनमानी है, उसके अंदर आपने कोई ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे कौम को फ़ायदा हो रहा है? क्या ये जो वज़ीर जो ऑलरेडी इनमें से आधे से ज़्यादा ट्राइड एंड फेल्ड वज़ीर हैं, अब आप अगर उनको राजा परवेज को देखें तो एक नहायत पहले दिन से उन्होंने कौम से हर टाइम हर थोड़े महीनों के इंटरवल के बाद झूठ बोला कि जी लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। क्या वो उसमें कामयाब हुए? नहीं हुए। आखिरकार वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के करप्शन केस के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको वजारत से हटाया गया मजबूरी के अंदर, थोड़े अरसे उनको बाहर रखा, अब उनको दोबारा नवाजा कि नहीं जी आप आइए।
قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے ان کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی کی ڈگریز ہیں یا ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے جس کے لیے ان کو ٹیکنالوجی کا انفارمیشن منسٹر بنایا گیا. فردوس ہاشمی کوان رونے لگی ہیں ایک دفعہ وزارت چھوڑنے پہ تو ان کے لیے ایک نئی وزارت کریٹ کر دی. کون سا ان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے یا کیا ان کی ڈیفینیشن ہے اس ان کے رول کی جو یہ وزارتیں کلائمیٹ چینج کی جو انہوں نے کریٹ کی ہیں یہ ایک سال کے اندر جو یہ 4.5 سال میں نہیں کر سکے حکومت میں رہ کے یہ کون سا قوم کو بینیفٹ دینے والے ہیں؟ ایک وہ قوم ہماری جو آج خودکشیاں کر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. سمپل باتیں کریں جو قوم سمجھ سکتی ہے. لوگ آج بھوکے ہیں, لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں شہزاد, میں آج کوئٹہ آئی ہوں کیونکہ کل انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئٹہ میں جلسہ ہے. اس کے لیے سارے دن آج میں یہاں کوئٹہ کی ڈفرینٹ محلوں میں اور سڑکوں پہ اور جگہ جگہ ہمارے ہم جو ہمارے ملتے رہے گراس روٹ پہ اور لوگوں سے. مجھے اتنا دکھ ہوا یہ دیکھ کے کہ کوئٹہ کی سڑکیں, کوئٹہ لگتا ہے جیسے کوئی وار ٹون ایریا ہے, یہاں سے کوئی بہت بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں جو تباہ اور برباد کھنڈر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ خیر اس وقت تو ملک کے کافی سارے شہر ایسے ہیں جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ لڑی جا رہی ہے, چاہے وہ کراچی ہو, گلگت بلتستان ہو, کافی سارے ایسے شہر ہیں. لیکن یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ, اختیار بے شک ہو لیکن جو عوام ہے وہ منتخب کرتے ہیں عوامی نمائندوں کو, وہ بادشاہ اور اقوام کو نہیں منتخب کرتے کہ وہ اپنی منمانی کرتے پھریں گے. جب آپ کو پتہ ہے وسائل ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں, ہر چیز میں آپ کہہ دیتی ہیں اگر ہم بجلی کیسے پیدا کریں, ہمارے پاس تو وسائل لمیٹڈ ہے. منسٹرز کو دینے کے لیے, ان کی ورک فورس کو دینے کے لیے, ان کی پروٹوکول دینے کے لیے آپ کے پاس وسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیا؟ دیکھیے شہزاد, ایک سیکنڈ, ہر منسٹر کے اوپر کم سے کم 6 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. اب میں بات کر لوں جی, اب آپ بولیں. اچھا دیکھیے شرمیلا, بتائیں مجھے, پہلے بھی جب میں بات کر رہی تھی جی, آپ مجھ سے بولے, آپ سن رہے ہیں شرمیلا؟ ہاں جی جی. آپ دیکھیے پہلے بھی جب میں بات کر رہی تھی اور مائک کی آواز ختم ہو گئی تھی, دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگلے الیکشن کے بعد جب جو بھی حکومت میں آئے گا وہ اگلی بار بھی 50 وزیر اور 5 مشیر لے گا. اس وقت اگر 50 سے بڑھ کے 53 وزیر لے لیے, 3 زیادہ لے لیے تو کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہو گیا ہے. دوسری چیز میں, 3 زیادہ وزیر ہیں یہ اور 5 زیادہ ایڈوائزرز ہیں, یہ پورا گن لینا, کیونکہ یہ جو ایڈوائزرز ہیں ان کے پاس بھی سٹیٹس ہے منسٹر کا. نہیں, آپ پورا گن لیں, 3 نہیں زیادہ ہیں, 3 سے کافی زیادہ ہیں, 5 اسپیشل ایڈوائزر ہیں, 4 ایڈوائزرز ہیں. شہزاد اگر آپ میرے جواب کے دوران اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکوں گی, پلیز میں پھر گفتگو نہیں کر سکوں گی, برائے مہربانی. میں بڑے تحمل سے سب کی سن رہی ہوں تو برائے مہربانی بیئر وِد می. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تعداد آپ نے تقریباً اگلے الیکشن کے بعد بھی دیکھنی. دوسری چیز یہ, آپ نے کہا کہ جی پروگیٹیو ہے منمانی کی, کوئی منمانی نہیں کر رہا. یہ اس وقت جو ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے, ہم لیڈ پارٹی ضرور ہیں, ہم فرنٹ لائنر ضرور ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اور بھی کوالیشن پارٹنرز ہیں جن کا اپنا شیئر وزارتوں میں ہے, اور اگر اگلی دفعہ بھی کوالیشن گورنمنٹ بنی تو اسی قسم کے کچھ معاملات رہیں گے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے بات کرا کہ جی عوام کے نمائندے, تو یہ جو بھی وزیر بنے ہیں, جو بھی اسٹیٹ منسٹرز بنے ہیں بھائی, ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, ان کو ہم اٹھا کے کوئی برطانیہ سے یا امریکہ سے نہیں لے کر آئے, یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں اور ان کو امپاور اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بہتر طریقے سے اپنی کانسٹیٹیونسیز میں, اپنے ایریاز میں, اپنے پروونس میں کام کر سکیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, بالکل. شرمیلا فاروقی صاحبہ, کانسٹیٹیونسیز کے لیے ممبر نیشنل اسمبلی موجود ہیں, لیکن ممبر پروونشل اسمبلیز موجود ہیں جن کو ایک فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں غلط بات آپ کر رہی ہیں نا, آپ کہہ رہی ہیں کہ کانسٹیٹیونسیز میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وفاقی وزیر اپنے فنڈ سے کرے گا, تو پھر جو ایم این اے کو پیسہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے نا اپنی کانسٹیٹیونسی میں لگانے کے لیے. اگر کلائمیٹ چینج کی وزارت ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ وزیر اس لیے ہے کہ وہ وزیر اپنی کانسٹیٹیونسی میں پیسہ خرچ کرے گا. میں کسی ایم این اے کے ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات نہیں کر رہی. جب آپ منسٹر ہوتے ہیں یا اسٹیٹ منسٹر ہوتے ہیں, آپ کے پاس ایک امپاورمنٹ زیادہ ہوتی ہے. یو آر ان اے مچ مچ بیٹر پوزیشن ونس یو آر اے منسٹر ٹو گیو سرٹن آرڈرز,
टू गेट द थिंग्स इम्प्लीमेंटेटेड बहुत फ़र्क पड़ता है, एक MNA और एक मिनिस्टर में बहुत फ़र्क है। हमने इसीलिए इन लोगों को इलेक्शन से पहले हम इनको लेकर आए हैं कि डेफिनेटली ये अपने एरियाज के अंदर काम करें। पंजाब के अंदर बहुत सारी जगह पे ऐसी सीरियस किस्म की महरूमियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अब अगर आप पंजाब अच्छा, ठीक है, मैं चाहूँगा कि मेरे शेख सुन लेना, शेख रोहेल अज़हर साहब बैठे हुए हैं। अभी हालिया ही आठ और वज़ीर बनाए पंजाब कैबिनेट में शहबाज शरीफ साहब ने, फिर उसके बाद आपके एडवाइज़र्स बनाए हैं, फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई हैं, उनके चेयरमैन बनाए हैं इसीलिए क्योंकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब या तो आप कहें कि सारे अच्छा मैं जवाब ले लेता हूं ना रोहेल अज़हर साहब से, क्योंकि आपका इशारा जो है वो पंजाब हुकूमत की फेलियर पर है। आप कह रही है कि पंजाब में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर साउथ पंजाब में जनूबी पंजाब में महरूमियां हैं, वो दूर करने के लिए आपने अपने पार्टी में वजीरों को एम्पावर किया गया है। तो रोहेल अज़हर साहब, इसका मतलब टारगेट इस वक्त जो है वो नून लीग है, क्योंकि आपकी हुकूमत है पंजाब में और आपने वहां पर काम नहीं किया, तो इसीलिए आप वफाक में जो है ये महसूस किया कि एक्स्ट्रा उनको पावर दी जाए, उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। थोड़ा सा इजाफा कर दूं शहजाद, बिल्कुल हम चाहते हैं कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का काम हो, पंजाब में भी हम अपने लोगों को जो है वो एम्पावर करें, जिस तरीके से PMLN कोशिश करती है कि वो सिंध के अंदर काम करे। अच्छी बात है, ये पाकिस्तान हम सबका है। PTI जाके कल को मुझे जवाब ले लेने दे रोहेल अज़हर साहब से, राइट है, लेट्स गिव एवरीबॉडी अ फेयर चांस। उन्होंने कराची में किया जलसा, लाहौर में किया, कोयटा में जलसा टैक्स पेयर के पैसे से नहीं हो रहा। कोशिश कर रहे हैं शर्मिला, कोयटा में जलसा जो है वो टैक्स पेयर से नहीं हो रहा, मैं सिर्फ टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ। मुझे जवाब ले लेने दे, अच्छा शेख रोहेल अज़हर साहब से जवाब ले लेने दे, आपको मैंने काफी वक्त दे दिया है। वो अभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, मेरे कहने का मकसद ये है कि हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। इलेक्शन होने वाले हैं तो ऑब्वियसली हर किस्म की स्ट्रेटजी तो अप्लाई की जाएगी। मैसेज में काम कर रही है, अपना मैनिफेस्टो लेके जा रही है, अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रही है। किसी और को भी बोलने का मौका होना चाहिए प्लीज, वरना ये तो बोलती रहेगी और टाइम खत्म हो जाएगा। आप कल बोलिएगा ना, क्वेटा के जलसे में आपका दिन है कल आप बोलिएगा। अब ये 15-20 मिनट और बोल के तो कुछ को क्यों नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, मगर आज भी मुझे प्रोग्राम पे बुलाया है, उन्हें भी बुलाया। माय गुड विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। खातून खातून तो एक ही काफी होती है, आपने दो दो खातून बुला ली हैं तो मेरे ख्याल में आप तीसरा भी कोई ऐसे ही बुला रहे थे, तो मेरे ख्याल में मैं चुप करके। अब बात ये है, देखिए तो मैं फंस जाता हूं फिर, शेख साहब हजरत भी आप बैठे हैं और कोई कम नहीं है आप। दो दो मैंने दो का बात की है, मैंने पहली बात नहीं की शहजाद, बात यह लॉजिकली बात करें, बात यह कि क्या वज़रा बढ़ाने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? अब पाकिस्तान के मसाइल वज़रा के साथ हल नहीं होते, पाकिस्तान के मसाइल और तरह के हैं। जो मसला हल करने वाला है, जिससे लोगों में आपकी इज्जत और तकरीम बढ़ेगी, आप उनके लिए काम कीजिए। आप एनर्जी क्राइसिस खत्म करने की कोशिश कीजिए, आप कराची में अमन पैदा करने की कोशिश कीजिए, आप बलूचिस्तान के जो शोले उठ रहे हैं आग के, आप उनको कम करने की कोशिश कीजिए, आप गिलगित बल्तिस्तान में जो आग लगी हुई है आप उसको कम करने की कोशिश कीजिए। या वजारतें बांटने से या वजीर बनाने से आप को बेहतर नहीं कर सकेंगे। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर नजर मोहम्मद गोंदल, मैं किसी के तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर नजर मोहम्मद गोंदल साहब बहुत ही अच्छे थे, कंपिटेंट थे, तो उनको वजारत से क्यों निकाला गया? अगर राजा परवेज अशरफ बहुत अच्छा था, कंपिटेंट था, समझदार था, उसको वजारत से निकाल दिया गया। इसी तरह बाकी वज़रा के साथ भी वही कुछ किया गया। अब ये है कि आप इस वक्त आइडियल पोजीशन में नहीं है, आपका क्या खजाना बिल्कुल लबालब भरा हुआ है जो आप इस किस्म के काम करेंगे? आप देखें, बात यह है कि ये उस वक्त होता है जब आपके खजाने भरे हों, लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक की तरफ देखें तो वहाँ पर खजाना भरे होने के बावजूद कंपिटेंट लोगों को लाया जाता है ताकि वो एक वजारत नहीं, तीन तीन चार चार वजारतों को लुक आफ्टर करें और उनसे नताइज अपनी आवाम को दे। और जब तक आप नताइज जैसे पंजाब में, अब ये चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दर्जन पोर्टफोलियो रखे हुए अपने पास, मतलब वो भी तो एक गलत गवर्नेंस का तरीका है ना, वो भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक डेढ़ दर्जन जो है आप वजारत रख लें और वन लाइन शो चलाएं, वो भी गलत तरीका है। अगर ये गलत है तो वो भी गलत है।
آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن اگر وہ پورٹ فولیو اپنے پاس رکھیں، اپنے وزراء میں تقسیم کر دیں، اور اگر نئے وزیر رکھیں تب بھی آپ ان کو چین نہیں لینے دیں گے۔ اگر وہ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اپنے وزراء سے اور خود دن رات کام کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بات پسند نہیں ہے۔ آپ کو پسند کون سی والی ہے؟ پوائنٹ ان بٹوین ہے، زیادہ والی بات پسند ہے، دونوں ایکسٹریم میں مڈ پوائنٹ بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ وضاحتیں رکھ دیں یا ایک بندہ ساری وضاحتیں لے لیں، یو کین بیلنس اٹ آؤٹ۔ نہیں ہیومن نہیں، بیلنس اٹ آؤٹ تو ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں نا، میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری وزارتیں اپنے بہت سارے وزراء کے درمیان، جو سٹنگ وزیر تھے ان کے درمیان انہوں نے اس کی تقسیم کی، تاکہ آپ دو دو تین تین وزارتیں جو ان کو لک آفٹر کریں اور اس میں سے نتائج آپ دیں۔ اب اس میں ایک سب سے بڑی بات، میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں قطعی کہوں گا کہ جی بہت آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پورے چار سال میں کسی وزیر کا کوئی سکینڈل آپ کے سامنے نہیں آیا۔ کوئی فائنینشل سکینڈل کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی ان کا وکیل کا کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کسی میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے جو آپ کو ان کو دینا پڑے گا۔ یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا اس وقت کہ شرمیلا اس بات پہ غصہ کر جائے گی۔ ایک انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں 8,500 بلین چار سال میں کرپشن ہوئی۔ اب میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آتی ہے، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کو یہ غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو چار سال میں کہا تھا ہم جو باقی سال رہ گئے ہم اس سے زیادہ کر کے آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ کی وہ رپورٹ غلط تھی، نئی رپورٹ مرتب کریں، ہم نے تو اس سے زیادہ کر دیا۔ میں فوزیہ کسوری سے بھی جاننا چاہوں گا۔ فوزیہ کسوری صاحبہ، شہزاد ایک منٹ، میں آتا ہوں۔ شرمیلا میں آتا ہوں، میں آپ کی طرف آؤں گا، میں آپ کو وقت دوں گا۔ پلیز پلیز آپ اپنا جواب سنبھال کے رکھیں، میں آپ کو وقت دوں گا، آپ اس کا جواب دے دے گا۔ صبر کریں، مجھے فوزیہ کسوری کی طرف جانا چاہیے۔ جان کے مان پاؤں اتنا صبر کروں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو یہ بھی کہا ہے کہ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوشن کے اندر 1.7 ارب روپے کا غبن ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اس کا جواب شیخ صاحب میں آپ سے جواب لے لوں گا بعد میں۔ بہترین، میں پہلے فوزیہ کسوری صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا۔ تو انہوں نے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کے اندر بات کی ہے، تو پھر اس کا بھی جواب جواب لینے دیں۔ فوزیہ کسوری صاحبہ، آپ اس وقت جو اس صوبے میں بیٹھی ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے، اسی لیے آج آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ جی نہیں 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 جی، دیکھیے میری بات سنیں شہزاد، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو یہ کہہ رہی ہیں ان کے بارے میں وہ بھی صحیح ہے، اور جو انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں شہزاد، یہ سب لوگ اور اسی لیے فوزیہ قصوری نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا سب کچھ پیسے کو اتنا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، سب کچھ بیچ کے ان کو دے دیں گی۔ یہ بہت غم ہے ان کو۔ نہیں جی نہیں، غم تو آپ کو ہے جو آپ چار دفعہ حکومت میں رہے تو بلوچستان برباد رہا، غم تو شرمیلا فاروقی کی حکومت کو ہے جو حکومت میں آج بیٹھے ہوئے، اور ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں ملک میں، لوگ آپ کے بڑے جو تھے، آپ سے جی بحث نہیں کر رہی، جو تھے وہ میاں نواز شریف کا آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اگر اس وقت دور میں خراب ہوا تھا وہ آپ کے بڑوں نے خراب کیا ہوگا۔ آپ اپنی خورشید قصوری کے دور میں خراب ہوا ہے، تباہی بربادی تو اس وقت آئی فوزیہ صاحبہ کو جواب دینے دیں۔ شیخ صاحب کو شہید کیا تھا، شیخ صاحب بڑا ضروری ہے جواب دینے دیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ جی جی فوزیہ صاحبہ، آگ اس وقت لگی مجھ سے زیادہ، جب کوئٹہ میں آگ اس وقت لگی جب انہوں نے نواب مکرم بکٹی کو شہید کیا تھا۔ پیپلز پارٹی والے شیخ صاحب، شیخ صاحب کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں آپ کا چہرہ بھی تو دکھانا مجھے، ان لوگوں نے تحفے میں ہماری قوم۔ شیخ صاحب باری باری بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں میں نے آپ کو وقت دیا، ان کو کم سے کم جواب تو دینے دیں جیسے پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں۔ آپ مجھے بولنے تو دیں، یا آپ چاہتے ہیں میں خاموش رہوں؟ آپ ہی بول لیں، چلے قوم نہیں سننا چاہتی یہ اور جھوٹ اور فریب، تھوڑا سا دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیں۔ میں نے آپ کو انٹرفیئر نہیں کیا تھا، انٹرپٹ جب آپ بول رہے ہیں وقت کیوں ضائع کر رہی، بول ہی جائیں آپ۔ قوم یہ پوچھ رہی ہے آج شہزاد، شہزاد قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے، یہ جتنے بھی وزراء ہیں آج اور جو کل تھے، تمام دنیا کی جو سکسیسفل کنٹریز ہیں کہیں پر اتنے اتنے 61-62 منسٹرز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس یہ پروٹوکولز نہیں ہیں، بھیک مانگتے ہیں یہ دنیا میں جا کے، اور پاکستان کو انہوں نے ذلیل کیا ہے اور اپنی عیاشیوں پہ لگاتے ہیں، اپنی لگژریز پہ لگاتے ہیں۔ ان سے قوم ضرور حساب لے گی، اور وہ ٹائم بہت قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ وقت بہت دور نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے جیسی قوم نہیں رہی ہے۔ آج لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا اتنا ڈسکنیکٹ ہے عوام سے اور گراس روٹ لیول پہ۔ یہ اپنے فوزیہ صاحبہ بار بار شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگلی جو بھی حکومت آئے گی اس میں بھی تقریباً 50 منسٹر تو ہوں گے، تو مجھے یہ بتا دیں جب اگر آپ کی حکومت بنتی ہے
कितने मिनिस्टर्स कैबिनेट के जो 11% 50 साल हमारी हमारी हुकूमत इंशाल्लाह जब कभी भी बनेगी, जब भी बनेगी, इमरान खान साहब कह चुके हैं हमारा फिलॉसफी ये नहीं है, 20 के अंदर अंदर मिनिस्टर्स होंगे और सब मेरिट पे होंगे और पढ़े लिखे लोग होंगे, ये नहीं होगा कि फेल हुए मुझे हुए एक ब्रेक की तरफ जाना है दिया। 20 होंगे और सब मेरिट पर होंगे, सबसे बड़े इदारे पे एक मैट्रिक फेल आदमी क्योंकि वो वजीर आजम के दोस्त थे, ये काम नहीं होगा हमारी हुकूमत में। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है फौजिया साहब, इस ब्रेक के बाद हम मजीद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। शर्मिला फारूकी साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, कुछ देर पहले आपने कहा ये कोएलिशन गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात है जो कोएलिशन पार्टनर्स है उनको भी, उनका भी ख्याल करना पड़ता है, कुछ वजारतें आपने वहां पे दिए, ये फिर मेरा वही सवाल होगा आपसे कि ये पैसा टैक्स पेयर का, वो आपको इस चीज का हक नहीं देता कि अगर आप कोएलिशन पार्टनर बनाए और उनको अपने साथ रखने के लिए उनको वजारतें बांटते रहे, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, इस तरीके से कैसे जस्टिफाई कर सकती है आप इस चीज को? देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि जब आप कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं और जब आपके पास वजारतें होती हैं तो आप वजारतें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप तमाम की तमाम वजारतें लेके पीपल्स पार्टी अपनी गोद में तो नहीं रख सकती, जिस तरह पंजाब में पीएमएलएन ने कल जितने भी पोर्टफोलियो बांटे गए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ही बांटे गए हैं और पंजाब से ही बांटे गए, तो इसमें कोई कोलिशन पार्टी नहीं था, मेरे ख्याल से उनकी फेहरिस्त अभी आने वाली है अंकरी। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे एक बात मैं ख्याल है कि मैं तीसरी चौथी दफा अब ये कह रही हूँ बात कि ये ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जहाँ तक स्टेट मिनिस्टर का ताल्लुक है मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टेट मिनिस्टर्स के ना ज़्यादा कोई इतनी तनख्वाह होती है ना इतने कोई मरात होते हैं, दे वो ऑलरेडी MNAs, ये ऑलरेडी पार्लियामेंट अटेंड करने के भी ये सेशन के पैसे लेते हैं। देखिए ये शेख साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनको मालूम है ये पार्लियामेंटेरियन को पता है कि जब ये सेशन अटेंड करते हैं तो ये उसकी भी तनख्वाह लेते हैं, इनका मेडिकल फ्री है जी, बिल्कुल लेते हैं, ना जाने क्या क्या 3,750 रुपए पर सेशन लेते हैं, 3,750 रुपए पर सेशन, और अगर कोई कमेटी की मीटिंग अटेंड करते हैं तो भी 3,750 लेते हैं, एक MNA दो तीन कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ है। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनका मेडिकल भी फ्री है, ये जितना चाहे इलाज करवाएं वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रियासत जो है वो पे करेगी, बहुत सारे मनाते हैं, बहुत सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है इवन फॉर एन MNA एंड एन MPA एंड सेनेटर। मसला तो शर्मिला ये है कि अब जब ये मिनिस्ट्रीज बनी है ना, मेरे एक सवाल सुन ले, देखिए अब जब मिनिस्ट्रीज बनी है, आप जवाब दीजिए, साथ जवाब दीजिए मैं चीज का, जब मिनिस्ट्रीज बनेंगी तो उन मिनिस्ट्रीज को एक फंड एलोकेट किया जाएगा, एक पूरी टीम बनाई जाएगी जो कि पैसा जिन पे खर्च होगा, तो ये कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं ऐसे हालात में जब मुल्क के पास वसाइल नहीं है? कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनके बारे में, फौज के बारे में हमेशा ये इल्जाम लगाया जाता है कि 700 अरब रुपए आपका जो है वो फौज दी जाती है, कल तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे अखराजात कम करें। आर यू ऑल राइट बीवी से झगड़ा तो नहीं हुआ? आप क्वेश्चन नहीं सुन रही ना? नो यू नॉट, आप क्वेश्चन नहीं सुन रही, बेगम से लड़के आए बात नहीं, आप क्वेश्चन करते हैं मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं देते, और आप तीसरा चौथा अपनी, अगर आपने अपनी तकरीर झाड़नी है तो मेरे ख्याल है फिर वो घर जाके झाड़े या अपना प्रोग्राम कर लें और आवाम से दोबारा आकर खिताब कर लें। नहीं, लेकिन आप मुझे नहीं बताएं कि मुझे घर जाके क्या करना है या मैं किससे लड़के आया हूँ, दैट्स नॉट फेयर शर्मिला, कि मैं घर पे किससे लड़के आया हूँ या मैं घर जाके क्या करूँ, दैट्स नॉट फेयर, तो मुझे जवाब देना है। यू हैव टू लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन, एंड इफ यू आस्किंग मी अ क्वेश्चन You have to complete the question. And when I start giving a no, when I start giving an answer, you start questioning me again. तो फिर आप सारे सवाल जवाब खुद ही दे देना। ये पार्लियामेंट जवान नहीं है ना कि आप घर पे जाके झाड़े, ये घर पे जाके झाड़ू मैं, नहीं तो भाई बात जो आप क्वेश्चन करूंगा आपसे आप जवाब दे, आप हमें प्रोग्राम में बुला के ना झाड़ें, आप हमें प्रोग्राम में बुला के ना झाड़ें, अगर आपने प्रोग्राम में बुलाना है आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपने जवाब देना है, अगर आपने नहीं सुनना जवाब तो प्रोग्राम में मत बुलाया करें, अगर आपने सवाल का जवाब नहीं सुना है, खुद ही तकरीर झाड़नी है तो आप प्रोग्राम में ना बुलाया करें, आप एक सवाल पूछते हैं जवाब देना चाहती हूँ और आप बीच में अपनी तकरीर दे देते हैं। अब आपका वक्त जवाब देने का इसमें टाइम ना जाया करें। आई एम वेरी सॉरी, आई कांट आंसर लाइक दिस। शर्मिला अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज इस चीज का जवाब दे दें। मेरा मुझे अभी याद ही नहीं कि आपने सवाल क्या पूछा है, क्योंकि आप मुझे बात करना
दे ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि ये पैसा कहां से लाएंगे, ये पैसा कहां से लाएंगे, आप मुझे ये बता दें पैसा कहां से लाएंगे। ठीक है, सवाल आपने सुन लिया। शहजाद साहब, अगर इतना गम है के खर्चे कम हो तो आप इन तमाम पार्लियामेंटेरियंस के कहें कि अपने एक महीने की पार्लियामेंट की सेशन अटेंड करने की तनख्वाह दे दें, सैलाब जदगान को, बारिश जदगान को दे दें। आज तक किसी एक पार्लियामेंटेरियन ने कोई अपने एक दिन की भी तनख्वाह छोड़ी है, सिवाय जबकि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी कैबिनेट अपनी तनख्वाह दे देगी, प्रोविंशियल कैबिनेट ने कहा कि मिनिस्टर्स अपनी तनख्वाह दे देंगे, कभी इन्होंने कोई ये कोई रेजोल्यूशन लाए कि चलो जी आज मुल्क जो है पूरा मुल्क सैलाब में डूब गया है, डूब गया है। तो खुदारा हम तमाम पार्लियामेंटेरियन 442 पार्लियामेंटेरियंस और 104 जो है सेनेटर्स, वो ये कहें कि जी हम अपनी तनख्वाह नहीं लेते एक महीने की, कोई जज्बा दिखाए ना। अच्छा, मैं जैसे दिखाएं यहाँ पर तकरीर झाड़ने के लिए कि काबीना में 40 से 50 वजीर हो गए तो कौम का दिवालिया निकल जाएगा। भाई जो आप लोग तनख्वाह लेते हैं, जो आप लोग मेडिकल एक्सपेंसेस लेते हैं रियासत से, वो एक महीने के लिए छोड़ दें, एक महीने के लिए छोड़ दें, करोड़ों रुपए। मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं था कि वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो एक दूसरा इशू है ना। ठीक है रोहिल असगर साहब जी, इट्स नॉट दूसरा इशू, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं खर्चे कम करने की, खर्चा कम करने की, ये भी अखराजात है। ये इलेक्ट होकर आए हैं, इनका काम है पार्लियामेंट में बैठना, इनका काम है लेजिस्लेशन करना, इनका काम है अवाम के मसले वहां पर बैठ के हल करना, उसके भी पैसे लेते हैं ये। अब जवाब देने दे शेख रोहिल असगर साहब को, इनके घर वाले शेख रोहिल असगर साहब मेरा सवाल सुन लें, ये और उसमें आप ओवर हो गया तो दूसरों को भी मौका देने बात करने की, मैं बात नहीं करूंगी इनके। एक शर्मिला, मेरे ख्याल से आप शेख रोहिल असगर साहब को जवाब देने दें। पहले इलाज कराया है, 2.5 करोड़ रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान रियासत ने दिए हैं, तो वो तो कभी बात नहीं करते ना। शर्मिला मेरे ख्याल से आप शेख रोहिल असगर साहब को जवाब देने दें, और 2.5 करोड़ रुपए शेख रोहिल असगर साहब को जवाब देने दें, तो आप मुझे बात शेख रोहिल असगर साहब को जवाब देने दें। शेख रोहिल असगर साहब, आपको एक सेनेटर की बात बता रही हूँ, इनकी जमात का है और सबकी जमात के होंगे जी, शेख साहब के भी होंगे, शर्मिला शर्मिला भाई ये छोड़ दें, अब बर्दाश्त करें। चलिए आपने कहा जेस्चर दिखाएं कौम को, आपने कह दिया मैंने सुन लिया है, बाबा सुन लिया है, बात बार बार करके आप कुछ नहीं, आप बार बार कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे किसका किसी ने कहने पे मजबूर कर रही है शर्मिला के, कौन तकरीर कर रहा है जी? जी शर्मिला को शायद आवाज नहीं आ रही थी। जी शेख साहब, मैं शहजाद, बात ये बातें जो आप कर रहे हैं, ये बातों का इस प्रोग्राम के साथ या इस सेगमेंट के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। शर्मिला जो बात कर रही है जी, फलाना छोड़ दे, कमेटी के मेंबर्स हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है शर्मिला, मैं 3 कमेटियों का मेंबर हूँ, मैंने लिख के दिया हुआ है ड्यूरिंग दिस सेशन कमेटी का इजलास होगा तो मैं उस पर अटेंड करूंगा। मैं इसीलिए आपको कह रहा था, हर एक को आप एक लाठी से ना हांके, खुदा के लिए आप एक 6 महीने के लिए, मैं वर्ष कर रहा हूं, आपने पार्लियामेंटेरियंस का है, आपने पार्लियामेंटेरियंस का, आप उसमें बोले ना, आप सुनती जाए, आपने एक मेंबर का कहा जी उसने अपने पैसों से इलाज करवाया, ये किसने इख्तियार दिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इस तरह बात समझ नहीं आएगी शेख साहब, मन्नत बीवी ने मांगी तो जाके आप वहां पे ऐलान करते हैं $10 लाख का जो 9 करोड़ रुपया बनता है, अब मन्नत आपकी 9 करोड़ जाके आप पाकिस्तानी आवाम को वहां पे दे आए हैं, ये किस किस्म की मनते हैं, ये कौन से बातें करते हैं, लोगों से आप मांगते फिरते हैं, लोगों से आप हाथ फिलाते हैं, लोगों से आप ये कहते हैं कि हमें मुल्क जाने के लिए पैसा दें और खुद जाके आप मंत्रों के लिए जाते हैं और पैसे देते हैं, ये किस किस्म के आप काम करते हैं? आप बातें अपने गिरेबान में भी जान के इंसान को देखना चाहिए। मैं उस बातें मैं इस बातों में नहीं आने वाला ना, बातें मेरी समझ में आती है इनकी। बात यह है शहजाद साहब कि इस मुल्क में जिस मुल्क में इस वक्त गुरबंद आपका कोई कल सीधी नहीं है, कोई महकमा आपका सीधा नहीं है, आए दिन रोजाना करप्शन का नया स्कैंडल आपके सामने आता है और आप फिर दोबारा एक बोझ उसमें डाल रहे हैं, रोजाना का बोझ डाल रहे हैं, ये किस किस्म का आप दीजिए आवाम को कोई रिलीफ दीजिए। शर्मिला फारूकी साहब, फौजिया कसूरी साहब, मैं उस बारे में एक बात पूछूंगा, जैसे फौजिया बड़ा ज्याला और
خارجہ کا مزید تھا شاہ محمود قریشی. شیخ صاحب جواب دے لینے نا. قوم اتنی نا سمجھ نہیں ہے, وہ سب باتیں سمجھتی ہے, سب کو سمجھتی ہے. یہ باتوں میں آنے والے نہیں ہیں کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھتا شیخ صاحب غم آپ. اچھا انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. میں کوشش کر رہا تھا ٹو دا پوائنٹ رہے لیکن جواب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں ملتا, پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے سوال کیوں کر لیے جاتے ہیں. اب بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. فیس بک پر اور ای میل کے ذریعے آپ ہمیں جو ہے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. پاکستان آزاد کے لیے آپ سے ملاقات کرے گی. اپیل کرو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.